हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मैं हूं पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो, जिसका आज हम सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम एमपी पुलिस 2020 की तैयारी के लिए 2016 में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी का यहां पर हल देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जितने भी डाउट है वो यहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट ग्रुप बनाया हुआ है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ये, और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह विकल्प चुनना है जो कथन एवं निष्कर्ष के बारे में सही हो। कथन दिया हुआ है कि सभी बिंदु जो है, देखिए पंक्तियाँ है, क्या कहा है कि सभी बिंदु, मान लीजिए इतना सा जो पार्ट है वो है बिंदु का, तो सारे के सारे बिंदु जो है वो क्या है, पंक्तियाँ है, मतलब इसके ऊपर जो एक सर्कल बनेगा वो आ जाएगा आपका पंक्तियाँ का। और फिर मुझे आगे कहा गया है कि सभी पंक्तियाँ जो है वो त्रिकोण है। देखिए सारी की सारी पंक्तियाँ जो है, अब पंक्तियों के ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ क्या लिख दिया, त्रिकोण। अब आप देखेंगे तीन सर्कल बने हो, तीनों एक के ऊपर एक बने हुए हैं। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूँ तो सभी बिंदु जो है वो त्रिकोण है। क्या सारे के सारे बिंदु त्रिकोण है, तो जी बिल्कुल, फर्स्ट वाला आपका क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। क्या सारे के सारे त्रिकोण बिंदु है, क्या कहा है कि सभी त्रिकोण बिंदु है, तो भैया सारे के सारे त्रिकोण बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिकोण वाला सर्कल बड़ा है और ये छोटा है, तो कभी भी बड़ा सर्कल छोटे के अंदर नहीं आएगा, इसलिए गलत। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू, आर इज द सन ऑफ पी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी और टी इज द डॉटर ऑफ क्यू। यहाँ पर हिंदी में शायद आया नहीं है, कोई बात नहीं। पी इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब पी जो है वो क्यू की माँ है। देखिए क्या कहा है मुझे, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी जो है वो इस क्यू की क्या है, माँ है। अब क्यू की माँ है तो हमें इस पी का जेंडर पता चल गया, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर मुझे सेकंड वाले पॉइंट में कहा है कि आर इज द सन ऑफ पी। देखिए आर जो है वो पी का लड़का है, पी का लड़का कौन है, आर, मतलब मैं यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा क्रॉस में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। पी का लड़का आर है, तो भैया ये लड़का, इसलिए इसका जेंडर भी मुझे पता चल गया, तो मैंने यहाँ भी जो है प्लस लगा दिया। अब क्यू का जेंडर मुझे पता नहीं है कि क्यू क्या है, आगे देखेंगे हम थर्ड पॉइंट में। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, देखिए एस जो है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, बट यहाँ पर एस और टी दोनों नहीं है, तो इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फोर्थ वाला देखेंगे, टी इज द डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू की डॉटर है। क्या कहा है, टी इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब टी जो है वो लड़की होनी चाहिए, किसकी, क्यू की, तो क्यू की लड़की कौन है, टी, टी के, टी का जेंडर पता था इसलिए मैंने टी के ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट करूंगा कि एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो किसका भाई है, इस टी का भाई है। अब इस टी का भाई है मतलब इस क्यू का ये क्या है, लड़का है, ठीक है। पी जो है, देखिए पी जो है एक लेडी है, अब ऊपर से मैं पूरा ट्रांसलेट कर देता हूँ, पी जो है एक लेडी है, ठीक है, क्योंकि माइनस है वहाँ पर, और जो पुरुष होंगे या फिर लड़के होंगे उनके ऊपर मैंने प्लस लगाया है। तो देखिए पी के दो लड़के हैं, सॉरी पी के, पी का एक लड़का है आर और एक लड़की है क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे शायद क्यू का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं है, टी इज द, हाँ जी बिल्कुल, अभी देखिए आप क्यू का जेंडर आपको पता नहीं है कि क्यू लड़का है कि लड़की है, ठीक है। लड़का होगा तो भी इसके दो बच्चे हैं, लड़की होगी तो भी इसके दो बच्चे हैं। अब क्यू के यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, एस जो है वो प्लस लगा इसलिए लड़का, टी के ऊपर माइनस लगा इसलिए लड़की। आपको पूछा है द ग्रैंड मदर ऑफ एस इज, देखिए तो एस की दादी कौन है, यह पूछा आपको कि एस की जो है दादी कौन है, तो आप देखेंगे एस की, एस के पिता या माता ये हो जाएगी, तो इसके पिता या इसकी माता जो है ये है, मतलब दादी कौन हुई, इसकी पी हुई, ठीक है। एस की दादी कौन हुई, स्पष्ट पता चल रहा है ना भैया, पी हुई, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लड़की हुई तो आप कहेंगे कि ये तो नानी होनी चाहिए, तो नानी को भी दादी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में दादी कहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका पी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनना है जो कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। कथन में कहा है कि कुछ लोग बच्चे हैं, कुछ लोग गंजे नहीं हैं। देखिए कुछ लोग बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग बच्चे हैं, ठीक है। अब कहा है कि कुछ लोग गंजे नहीं हैं, तो भैया कुछ लोग गंजे नहीं हैं मतलब गंजे अलग हो गए, ठीक है। अब कुछ लोग गंजे नहीं हैं, अगर कुछ लोग गंजे होते तो मैं यहाँ लोगों के पास बना देता यहाँ सर्कल, ठीक है, यहाँ ऐसा करके कुछ सर्कल बनाता, बट यहाँ पर इसने क्या कहा कि कुछ लोग गंजे नहीं हैं, तो नहीं है इसलिए मैंने अलग ही बना दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सभी उम्र बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर उम्र की बात हो रही है और उम्र तो हमारा कहीं से कहीं तक जो है ऑप्शन में था ही नहीं, तो जब उम्र था ही नहीं तो हमारा करेक्ट होगा नहीं, इसलिए आपको गलत कर दीजिए। आगे
सभी बच्चे आदमी हैं, तो देखिए आप देखिए आदमी भी कहीं भी नहीं है, मतलब ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि ये ये उम्र और ये आदमी इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ ना भैया क्वेश्चन में, इसलिए गलत। तो दोनों ही गलत होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, नन ऑफ दिस, ठीक है। निष्कर्ष फर्स्ट या सेकेंड में से कोई भी नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं कि जॉर्ज और एंड्रू जो है वो दोनों ही अमीर है। क्या कहा है कि यह सत्य नहीं है कि जॉर्ज और एंड्रू दोनों ही अमीर है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। उन दोनों में से कोई भी गरीब हो सकता है या वो दोनों भी अमीर हो सकते हैं, बट ये सत्य नहीं है कि जॉर्ज और एंड्रू दोनों ही अमीर है। हाँ बिल्कुल, इन दोनों में से कोई एक अमीर हो सकता है, एक गरीब हो सकता है, या दोनों गरीब हो सकते हैं, बट इसने ये कह दिया कि दोनों के दोनों ही अमीर तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं बढ़ता हूँ। जॉर्ज अमीर नहीं है या एंड्रू अमीर नहीं है, देखिए क्या कहा है कि जॉर्ज अमीर नहीं है या फिर एंड्रू अमीर नहीं है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कहा है, क्योंकि क्या कहा है कि दोनों एक साथ अमीर हो नहीं सकते, तो या तो जॉर्ज अमीर नहीं होगा, या लग गया ना मतलब, ठीक है, या लग गया, आपको पता है या का मतलब क्या होता है, या फिर एंड्रू अमीर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक अमीर हो सकता है या दोनों गरीब हो सकते हैं, बट यहाँ पर अमीर तो दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसने स्पष्ट मना कर दिया, इसलिए आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर जॉर्ज अमीर नहीं है तो एंड्रू अमीर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर लग गया, अगर की तो कोई बात ही नहीं होती है, अगर एंड्रू फिर से यहाँ अगर लग गया गलत कर दीजिए, एंड्रू अमीर नहीं है और जॉर्ज अमीर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि दोनों के दोनों अमीर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट कौन सा होगा, केवल फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। मुझे कहा गया है कि यदि बाईं तरफ की आकृति को घन बनाने के लिए फोल्ड किया जाए तो फोल्ड के बाद वह कैसी लगेगी। देखिए इस आकृति को, इस वाली आकृति को अगर मैं एक पांसे की तीन जो भुजा जो तीन मुझे साइड दिखती है उनके जैसे अगर इसी पांसा बना दूं, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा खोल के दिया हुआ 6 फलक आपको दिख रही है, यहाँ पर 3 फलक दिखेगी जब पांसे की, तो आपको ये वाला किस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन किसके पीछे आएगा, ठीक है, विपरीत कौन आएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप पांसे वाला कोई क्वेश्चन करें तो अल्टरनेट चलता है इसमें। अल्टरनेट मतलब अगर आपको 6 फलक दे दी गई है तो एक छोड़ दो और एक छोड़ने के बाद जो आ रहा है, जैसे कि देखिए ब्लू है, रेड है, पिंक है, तो मैंने रेड को छोड़ दूंगा, अल्टरनेट की बात कही है, इसलिए एक को छोड़ दो, दूसरा वाला जस्ट उसके विपरीत है, मतलब बी लिख रहा हूँ, बी फॉर ब्लू, और बी के विपरीत क्या आ जाएगा, पी मतलब पिंक, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आर पिंक छोड़ दो और जी आ जाएगा, रेड आ जाएगा, तो देखिए आर के जस्ट विपरीत क्या आ जाएगा, ग्रे, ठीक है, आर रेड के विपरीत क्या आ जाएगा, ग्रे, और ये दोनों अलग ही हो रहे हैं इसलिए इन दोनों को विपरीत में कर दीजिए, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि दो बार हो गया ग्रीन, ग्रीन और इसके अपोजिट में आ जाएगा डब्ल्यू फॉर वाइट, ठीक है, तो यह ब्लू रेड आर मतलब आर फॉर रेड, और शायद यहाँ पर पी था, तो ब्लू पिंक रेड ग्रे ग्रीन और वाइट, ये अपोजिट में है, ठीक है, बी के विपरीत ये है, आर के विपरीत ये है, ग्रीन के विपरीत वाइट है। अब आप देखेंगे अगर ये इनके विपरीत है तो भैया सामने आमने आमने सामने तो आ नहीं सकते, ठीक है, तो जैसे कि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें, या एक काम कीजिए फर्स्ट वाले को नहीं सेकंड वाले ऑप्शन को देखें, ग्रीन ग्रे और रेड दे रखा, मतलब ग्रीन ग्रे और रेड, आपने यहाँ देखा ग्रे और रेड एक साथ आ चुका है, ठीक है, और ग्रे और रेड एक साथ आ नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला अगर आप देखें तो देखिए रेड पिंक और ब्लू, पिंक और ब्लू, ये देखिए पिंक और ब्लू फर्स्ट वाले ऑप्शन में जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, बट यहाँ तो दोनों एक साथ आ गए, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत, ठीक है। फिर अगर आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखें, पिंक ग्रे और रेड, तो ग्रे और रेड देखें तो ग्रे और रेड ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। अब आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखिए, तो ग्रीन रेड और पिंक, तो देखिए ग्रीन यहाँ नहीं, ग्रीन यहाँ है, रेड यहाँ है और पिंक यहाँ है, देखिए तीनों में से एक एक आ चुका है, आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से बेसिक से समझना है तो आप उसके हमारी जो पासे वाली वीडियो है, डाइस वाली वीडियो है, उसको बेसिक से देखें, पूरा कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़े कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये कहा है उसने। अब ई जो है वो डी के बाईं ओर है, देखिए दायां बायां लिख देता हूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो देखिए ये होगा आपका दायां और ये वाली साइड अगर है तो होगा बायां। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो सभी का मुंह कहाँ है, अंदर की साइड है, अंदर की साइड है,
ठीक है, अंदर की साइड था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर वो मुझे कह देता कि भैया किसी का मुंह बाहर की साइड भी है, किसी का अंदर भी, अंदर की साइड है, तो ये दायां बायां बिल्कुल चेंज हो जाता। ठीक है, जो हमने इसकी बेसिक वीडियो में हाई लेवल तक के क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी ये तो बहुत बेसिक लग रहा है मुझे। ई जो है वो डी के बाईं ओर है। देखिए सबसे पहले डी बना दीजिए, ठीक है। अब इसने कहा है कि ई जो है वो डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर मतलब इस साइड होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन होगा भैया, ई की बात हो रही है इसलिए ई को बिठा दीजिए, ठीक है। यही कहा है ना मुझे कि ई जो है वो डी के बाईं ओर है, तो ये बिठा दिया मैंने ई को। अब आगे सी जो है वो ए और बी के बीच में है। अब देखिए सी जो है वो ए और बी के बीच में है, मतलब ए यहां भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ए सी के आगे है कि पीछे है, सी के दाएं है कि बाएं है, इसलिए मैंने दोनों को ऑप्शन में ले लिया, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एफ ई और ए के बीच में, देखिए क्या कहा है कि एफ जो है, एफ यहां कहीं होगा, एफ जो है वो ई, मतलब ई तो फिक्स हो चुका है, ई और ए के बीच में, मतलब यहां पर ए आना चाहिए तो यहां से बी हट जाएगा, और अगर यहां पर ए आ गया आपका तो ये डेफिनेटली करेक्ट हो गया कि यहां पर भी आएगा। तो ये ए बी सी डी ई और एफ बन गया क्रम। अब आपको पूछा है कि सी के दाहिनी ओर कौन है, तो देखिए सी यहां पर बैठा हुआ है, और दाहिने की अगर मैं बात करूं, देखिए ये तीर का निशान जो है इस तरफ जा रहा है, तो सी के दाहिनी ओर कौन है, तो देखिए सी के दाहिनी ओर कौन है, ए है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी के दाहिनी ओर यहां देखिए ना ऑप्शन ए आएगा ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, करेक्ट आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन पर बढ़ते हैं। विकल्प चुनिए जो कथन और निष्कर्ष के बारे में सही बताता है। कथन में कहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, सारे के सारे शिक्षक जो है वो क्या है, छात्र है, यही कहा है सारे के सारे शिक्षक छात्र है। फिर कहा है कि सारे के सारे छात्र जो है वो प्रोफेसर है। देखिए सारे के सारे यहाँ पर जितने भी छात्र है वो क्या है, प्रोफेसर है, यही कहा था। अब देखिए सर्कल के ऊपर दो सर्कल बन चुके हैं। निष्कर्ष की मैं बात करता हूँ, सभी शिक्षक प्रोफेसर है, क्या सारे के सारे शिक्षक प्रोफेसर है, तो जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटा वाला बॉक्स बड़े के अंदर आ रहा है, इसलिए सारे के सारे शिक्षक प्रोफेसर हैं। फिर कहा है कि सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं, तो क्या यह करेक्ट हो सकता है, आप देखेंगे कि तो नहीं, सारे प्रोफेसर, प्रोफेसर वाला सर्कल बड़ा है और शिक्षक वाला छोटा है, इसलिए सेकेंड वाला गलत, केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, इसलिए फर्स्ट वाले पे टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर बढ़ते हैं। एक समूह दिया हुआ है यहां पर, ए बी सी डी ई और एफ एक क्लब के सदस्य हैं, ठीक है। इस समूह में दो विवाहित जोड़े हैं, ए डी के पति का भाई ये सी ऑल इंडिया वर्किंग वीमेन एसोसिएशन के अध्यक्ष है, यहां पर अध्यक्षा आएगा, ठीक है। चलिए इसने अगर अध्यक्ष कहा है तो अध्यक्ष करेंगे। फिर एफ जो है एक सितार वादक कुवारा है, बी की पत्नी इस क्लब की सदस्य नहीं है, इनमें से चार व्यक्ति एक ही परिवार के हैं, बी और एफ एक ही संगठन की मैं सहकर्मी। देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ, शायद दो बार मैं करवा चुका हूँ, दोनों बार ये वाला क्वेश्चन अलग था, बाकी इसकी जो टेबल बनी थी वो एक ही थी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ अध्यक्ष आएगा, क्योंकि इसको मैंने दो बार करवा दिया है, तो मुझे पता है कि यहाँ अध्यक्ष आएगा, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया वर्किंग वीमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष, ठीक है। वीमेन मतलब वो सारी की सारी लेडीज़ है, और लेडीज़ की अगर कोई अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष नहीं बल्कि अध्यक्षा कहलाएगी, ठीक है। तो वो भी एक वीमेन है, इसलिए मैंने अध्यक्षा कहा था। चलिए इसको करते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक क्लब के सदस्य हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी ई और एफ लिख दिया। इस समूह में जो है दो विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। ए जो है वो डी के पति का भाई है, देखिए डी के पति, पति की बात हो गई इसलिए मैंने दोनों की तरफ एरो का निशान लगा दिया, ठीक है। अब डी का पति कौन है ये मुझे नहीं पता, पर डी का पति कौन है इसलिए मुझे ये पता चल गया कि डी जो है वो एक महिला है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और इस बॉक्स के ऊपर लगा देता हूँ प्लस। जो भी आएगा ए बी सी ई एफ जो भी आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, बाकी डी का पति होगा तो एक पुरुष ना, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे कहा है कि ए जो है वो डी के पति का भाई है, मतलब इस पति का भाई कौन है, ए ये इसका भाई है भैया, ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, ए जो है वो इसके पति का भाई है, अब भाई है इसलिए मतलब ये भी पुरुष हो गया, इसलिए मैं यहाँ भी प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। एक लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सी ऑल इंडिया वर्किंग वीमेन एसोसिएशन के अध्यक्ष चाहे, तो देखिए सी जो है वो एक महिला है इसलिए मैंने अलग लिख दिया। एफ एक सितार वादक कुवारा है, देखिए एफ का तो कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि ये एक कुवारा है, कुवारा है इसलिए प्लस लगा दिया, ठीक है। ये एक कुवारा है इसलिए प्लस, अगर कुवारी होती तो माइनस लगाता, ठीक है। एक लड़का हो गया ये कुवारा। बी की पत्नी इस क्लब की सदस्य नहीं है, देखिए बी एक पुरुष होगा इसलिए उसकी पत्नी होगी, तो बी की जो पत्नी है मतलब इस बॉक्स में जो आएगा
वो इस क्लब की सदस्य नहीं है, मतलब ए बी सी डी ई और एफ में से नहीं आ सकती, वो कुछ और होगी, ठीक है। बाकी के अल्फ़ाबेट सब कुछ भी मान सकते हैं, वो है ही नहीं भैया इस क्लब के सदस्य। आगे मुझे कहा है इनमें से चार व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग वाली लाइन में इसने कहा था कि इसमें से समूह में दो जो है विवाहित जोड़े हैं और चार व्यक्ति एक ही परिवार के होने चाहिए, तो एक परिवार के होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे इस बी की अगर एक जोड़ा तो मुझे यहाँ मिल गया कि डी और इस ब्रैकेट में जो आएगा वो एक जोड़ा होगा, ठीक है। बट एक जोड़े की अगर मैं बात करूँ तो ये बी वाला ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो वाइफ है वो तो ए बी सी डी ई एफ में से आएगी नहीं, तो वो अलग होगी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। बाकी बच कौन रहा है, एफ, तो एफ तो भैया एक कुंवारा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसकी शादी नहीं हुई है। यहाँ सी बच रही है जो एक अध्यक्षा है, तो देखिए इस सी को मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इस ए के पास ले आता हूँ और इस ए की अगर मैं वाइफ बना दूँ तो भैया मुझसे ये पता चल गया कि ए और सी जो है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ए हो चुका है, कट कर दीजिए। अब इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बॉक्स में क्या आएगा, बी हो चुका है कट कर दीजिए, सी हो चुका है कट कर दीजिए, डी हो चुका है कट कर दीजिए और एफ जो है कुवारा हो चुका है कट कर दीजिए, बचा क्या ई, मतलब यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा, ई आएगा। अब आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि डी और ई जो है वो एक हस्बैंड और वाइफ है, और यहाँ से एक बात पता चल गई कि सी और ए जो है एक हस्बैंड और वाइफ है, और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमारी सारी लाइन करेक्ट होती जा रही है, ठीक है। बी एफ एक ही संगठन में सहकर्मी है, देखिए बी और ये एफ जो है ये एक ही किसी कंपनी में या किसी एक जगह पर सहकर्मी है, काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सी से किसकी शादी हुई है, सी से किसकी शादी हुई है, तो देखिए भैया सी से किसकी शादी हुई है, ए की, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। निम्न पद, यहाँ निम्न प्रश्न में पहले तो पदों के बीच कोई संबंध है और उसी प्रकार आपको चौथे पद और तीसरे बीच के पद भी, तीसरे पद के बीच भी कोई संबंध बताना है। देखिए पहले का इस दूसरे के साथ है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे के साथ है, ठीक है। कन्फ्यूजन करने के लिए कन्फ्यूज इतना कर देते हैं क्वेश्चन में कि आप आगे पढ़ेंगे क्या, बट बहुत सिंपल था, फर्स्ट का सेकेंड के साथ थर्ड का फोर्थ के साथ क्या संबंध होगा। चलिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो बी डी एस ई, तो देखिए ए बी सी डी को थोड़ा अलग क्रम में लिख रखा है, ए यहाँ लिखा है, फिर बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है। तो मैं इसमें अगर नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी। इसी प्रकार यहाँ अगर देखूँ 1 2 3 4 यहाँ भी डाल देता हूँ 1 2 4 3 ई एफ जी एच, जी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। इसी प्रकार मैं नंबर यहाँ भी डाल देता हूँ 1 2 3 4 एम एन ओ पी। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूँ इन सभी में नंबर डाल देता हूँ, देखिए नंबर क्या डाल रहा है 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 और 2 4 1 3, ठीक है। तो आप देखेंगे एम एन ओ पी, क्या आर क्यू एस टी होता है, नहीं तो गलत, टी आर एस क्यू, नहीं गलत, क्योंकि वो जम नहीं रहा ना, क्यू टी एस आर, नहीं गलत, क्यू आर एस टी, जी बिल्कुल क्यू आर एस टी होता है, इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, देखिए कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। कैलेंडर हमने 2 या 3 वीडियो में देखा है कैलेंडर को, तो बेसिक तो वहाँ कंप्लीट करवा दिया था, हाई लेवल तक करवा दिया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया 15 अगस्त 2050 को क्या होगा। सबसे पहले इसका जो एक सूत्र होता है वो देख लेते हैं, फॉर्मूला। सबसे पहले डे, ठीक है, दिन क्या है, तो 15 तारीख है भैया। फिर मंथ, मंथ यहाँ पर अगस्त है तो मंथ के कोड होते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। प्लस ईयर, ईयर है 2050, 2050 की बात हो रही है। प्लस वाई है लीप ईयर, लीप ईयर कितने थे भैया 2050 तक, वो देखने हैं, ठीक है। और इन सबको जोड़ने के बाद किससे भाग दे देंगे, 7 से, क्योंकि 7 हमारे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। अब मंथ कोड की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारा मंथ कोड था 0 33 614 625 035, ठीक है, किसी भी साल का हो यही कोड लगाना है। अब यहाँ लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पर डे की बात हो रही है 15 तारीख, प्लस मंथ कोड की बात हो रही है, ठीक है। तो मंथ कौन सा है, अगस्त है, तो अगस्त के लिए मैं कौन सा कोड यूज़ करूँगा, नंबर 2, तो 15 प्लस 2। ईयर की यहाँ बात हो रही है तो ईयर कौन सा है भैया, 2050 है, तो हम हमेशा क्या करते थे कि 2000 से लगाकर 2099 तक के जितने भी प्रश्न आएंगे उन सब में क्या करेंगे हम कि 2000 जो भी साल आ गया, जैसे कि 2018 आ गया तो 2018 में से 1900 को माइनस कर देंगे,
ठीक है, जो आएगा वो वहां लिख देंगे। यहां पर अगर आप देखें तो 2050 दे रखा है, तो 2050 में से भी आप 1900 को माइनस कर दें, 1900 को जैसे ही माइनस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा 150। तो यहां ईयर में लिख दीजिए 150, ठीक है, 150 साल हो चुके हैं इस सूत्र के हिसाब से अगर हम करेंगे तो। अब आपको लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर आप इसी 150 साल में 4 का भाग दे देंगे तो लीप ईयर निकल जाएगा। 4 तिया 12, 728 होता है, इसलिए 37 होगा, ठीक है। तो यहां पर 37 आ जाएगा आपका लीप वर्ष, ठीक है, 37 लीप वर्ष आ गया, 7 से भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ दो, 7 2 9 और 5 14 की 4 हासिल आया 1, ठीक है, 3 और 1 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, हासिल 1 आ गया, मतलब यहां 204। अब 204 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 7 2 14, ठीक है, बचेगा कितना यहां पर 6, 64 हो जाएगा। तो 7 ही यहां पर अगर देखें तो 7 नमा की 63 होता है, ठीक है, 7 नमा की 63 होता है, तो एक बच रहा है भैया, एक बच रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर एक बच रहा है, एक बच रहा है, मतलब हम यहाँ पर अगर डे कोड देखें तो डे कोड हमने क्या देखा था, सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार सबसे ऊपर लिख देता हूँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 आपका रिमेन बचा है 1 बचा है, मतलब सोमवार करेक्ट आंसर होगा, तो सोमवार आपका ये रहा करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी में समझाने में अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार कैलेंडर की जो वीडियो बेसिक से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 11 नंबर। यहाँ पर देखिए कि मोबिलिटी को अगर ये से इंक्रीज किया जाए तो एग्जामिनेशन को किस से इंक्रीज किया जाएगा, तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, MOBILITY, इसका लिखा है इन्होंने नंबर 4 6 2 9, यहाँ पर आई था 9 3 9 2 7, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है। फिर अगर मैं आगे बात करूँ तो EXAMINATION, इसका नंबर क्या होगा हमें बताना है। तो क्या मुझे बताइए, M जो है वो 4 नंबर पे आता है क्या, आप देखेंगे तो नहीं, M जो है वो आता है आपका 13 पर, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, M आता है आपका 13 पर, कोमा लगा देता हूँ। O की अगर मैं बात करूँ तो O क्या आपका 6 पर आता है, तो आप कहेंगे नहीं भैया 15 पर आता है। B की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, नंबर्स तो बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक छोटी सी बन रही है, वो क्या बन रही है, आपने देखा कि M 13 पर आ रहा है, 13 पर अगर M आ रहा है तो 1 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर O को देखें तो O आता है भैया 15 पर, 15 को अगर मैं 1 और 5 लिखूंगा तो 1 और 5 को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार B लिखा हुआ तो B आता है नंबर 2 पर, तो 2 का 2 लिखा हुआ, मतलब जो भी नंबर आ जाए, अगर 1 4 आ जाए तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, इसलिए वहाँ 5 लिख देंगे। अगर 18 आ जाए तो 1 और 8 यहाँ 9 हो जाएंगे, इसलिए 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर्स को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ पर E जो है वो 5 नंबर पर आएगा, ठीक है, मतलब 5 से स्टार्ट होने वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये और ये यहाँ पर गलत हो चुके हैं, दो ऑप्शन करेक्ट हो चुके हो सकते हैं। और आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला ही अगर हमें पता चल जाए X, और अगर X अगर हम देखें तो X Y Z टोटल होते हैं 26 25 24, मतलब 24 आएगा, 2 और 4 लिखेंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं, ए आता 1 पे तो 1 1 ही रहेगा। एम की अगर मैं बात करूँ, देखिए एम 13 पर आ जाएगा फिर से, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 4 आ जाएगा, देखिए 5 6 1 4 आपका करेक्ट आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि अंडरस्टैंड को ये लिखा जाए तो स्टार को क्या लिखेंगे। तो काम कीजिए, START लिखा हुआ ना, तो इसको इसमें ढूंढ लीजिए, START, तो देखिए STA लास्ट, ये यहाँ पर देखिए STA यहाँ लिखा है, R यहाँ लिखा है और T फिर से यही रिपीट हो जाएगा, तो ठीक है START हमें ढूंढना है। तो लास्ट से 5 देखें, ये 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक है 6 7 एंड 8, ठीक है 6 7 एंड 8। अब स्टार तो हो गया, STA हो गया, RT की अगर मैं बात करूँ तो R यहाँ पर है, मतलब पीछे से 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे 5 आ रहा है भैया, तो 5 लिख दिया। फिर अगर मैं बात करूँ T की तो पीछे से चौथे नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 7 आ रहा है, इसलिए ये 6 7 8 5 7, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर D 6 7 8 5 7 करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्टार्ट को इस अंडरस्टैंड में ढूंढ लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं, यहाँ ABCD का एक क्रम दिया हुआ है, आपको विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप देखेंगे ABC और वापस यहाँ से B आ गया है, BCD
फिर सी डी ई, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी था, देखिए ए बी सी था, फिर इसने आगे क्या किया, बी सी डी आ गया, मतलब यहाँ पर इसने सेंटर वाले से ले लिया, ठीक है, ए को छोड़ दिया और सेंटर में जो था बी था तो बी से स्टार्ट किया, तो बी सी डी। नेक्स्ट वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ सेंटर में सी है इसलिए सी डी ई, तो नेक्स्ट वाले में कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, सेंटर से, मतलब डी ई और एफ, डी ई और एफ, मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए 14 पर बढ़ते हैं, किसी खास कोड में अगर स्क्रिप्ट को ये लिखा जाता है तो उस कोड में इसको क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए एस सी आर आई पी टी और इसको लिखा गया है टी सी क्यू आई क्यू टी, आपको पूछा है डी आई जी ई एस टी का क्या होगा, तो देखिए भैया इसका अगर मैं बात करूं तो एस टी जस्ट एक बात आता है और ये जस्ट सी का सी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें तो टी का टी भी लिखा हुआ है, आई का आई भी जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें तो ए बी सी डी में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्यू आर होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है, और यहाँ देखें तो पी क्यू, ठीक है, आप यहाँ देखें तो यहाँ मैंने प्लस वन किया, यहाँ मैंने माइनस वन किया, यहाँ मैंने प्लस वन किया, और ये तो एज इट इज़ दिए हुए हैं, ठीक है, एस टी सी का सी लिख दिया, क्यू आर, ठीक है, ए बी सी डी, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्यू आर होता है पी क्यू होता है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और आर, तो क्यू के बाद आर आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ इसलिए माइनस वन कर दिया, ऊपर से नीचे आ रहा था इसलिए प्लस वन कर दिया, ठीक है, ये माइनस वन प्लस वन में कन्फ्यूज मत होना, मैंने बस इसलिए लिखा है ताकि आप ध्यान रहे कि ऊपर से नीचे की तरफ मैंने प्लस लिखा है तो नीचे से ऊपर की तरफ माइनस लिखूँ, कभी कभी मैं नीचे से ऊपर की तरफ प्लस लिख देता हूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ माइनस लिखता हूँ, ठीक है, ये खाली यहाँ इतनी सी देर समझने के लिए। हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करना है, मतलब एस के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें तो डी के बाद क्या आएगा, तो डी के बाद भैया आप सभी जानते ही आता है, ठीक है। अब आप देखें तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, मतलब आई ई और टी ये इतना सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड दो और कुछ यहाँ पर आपके अक्षर आने बाकी है। अब आप देखेंगे कि जी में प्लस करना है, सॉरी जी में से एक माइनस होगा, ठीक है, तो जी से जस्ट एक पहले क्या आता है, आपने यहाँ पर ये देख लिया बाकी सारे हो गए आपके करेक्ट, जी से जस्ट एक पहले क्या आता है, तो आप देखेंगे जी से जस्ट पहले क्या आता है भैया, एफ आता है, ठीक है, एफ जी, फिर यहाँ पर ई के नीचे ई है, फिर यहाँ अगर आप देखें तो नीचे से नहीं ऊपर से नीचे की तरफ प्लस वन होगा, तो एस के जस्ट बाद क्या आता है, तो भैया टी आता है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ई आई एफ ई डबल टी, ठीक है, ई आई एफ ई डबल टी, ई आई सॉरी ये नहीं ये होगा ई आई एफ ई डबल टी, ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 दे रखा है कि मंडे को अगर ये लिखा जाए, बेल्ट को ये लिखा जाए तो टॉम्बे को कैसे लिखेंगे, तो देखिए भैया टॉम्बे को लिखना है तो आपने देखेंगे यहाँ पर कि बी ई एल टी में टी आ रहा है, ठीक है, तो टी को यहाँ 9 लिखा है इसलिए मैं टी लिख देता हूँ, टॉम्बे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर ओ लिखा हुआ है, ओ यहाँ पर सेकेंड नंबर पर मतलब 2 आ जाएगा, एम की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पे 1 आ जाएगा, बी ए वाई तो देखिए बी यहाँ पर फर्स्ट में इसलिए 0 और ए वाई यहाँ पर लास्ट में इसलिए 5 6, 921056 ये रहा फर्स्ट वाले करेक्ट हो गया, देखिए पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 9 निकाल लेते तो भी आपका ऑप्शन में एक ही जगह 9 था इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता। 16 नीचे दिए गए श्रृंखला अक्षरों में संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है गलत संयोजन पहचानना है, ठीक है, गलत पहचान देते हैं, पीछे से कर लेते हैं, वी यू डब्ल्यू ए वी यू डब्ल्यू ए वी यू डब्ल्यू ए और यू वी डब्ल्यू ए, करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला हो गया, ठीक है, अपने आप ही पता चल गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला हो गया इसलिए फोर्थ पे मैंने टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, फिर से वही विलुप्त अक्षर चुनकर करना है, तो ए डैश सी, मतलब डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ बी आएगा, ए बी सी, ठीक है, फिर सी आ चुका है, मतलब दो बार सी आ चुका है, फिर ए बी, तो अगर यहाँ दो बार सी था तो शायद यहाँ भी होगा क्योंकि यहाँ आगे भी डबल सी आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए बी सी और फिर सी लिख देता है एक एक्स्ट्रा सी, फिर ए बी सी, फिर एक एक्स्ट्रा सी, फिर ए बी सी, फिर एक एक्स्ट्रा सी, फिर ए बी सी, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा सी होगा, ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये बी था इसलिए बी लिख दिया, फिर सी, फिर ए बी बी सी, ठीक है, बी सी ए बी बी सी, बी सी ए बी बी सी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला को एक गलत पद है उसको आपको चुनना है, गलत पद को बताना है, 10, 18, 34, 68, 130 और 258 दे रखा है यहाँ पर आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि 10 जो है वो 8 ज़्यादा है, या फिर एक ट्रिक यहाँ से बन रही है, देखिए 10 का अगर मैं डबल करूँ तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, बट 20 में से मैं 2 कम कर दूंगा तो 18,
18 दुआ कितना होता है 36 हो जाएगा, बट 36 में से मैं दो कम कर दूंगा तो 34। अब आप देखेंगे 34 का डबल कितना होगा, तो देखिए 34 का डबल होगा आप यहाँ 3 दुआ 6 मतलब 68, और यहाँ पर 68 ही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर 68 आता तो इसमें से दो माइनस होके क्या आता है यहाँ पर 66, बट आपको तो गलत पद चुनना था और आपका गलत पद हो गया 68। अब ये 68 गलत है मतलब ये 130 भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ 68 नहीं 66 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत पद क्या हो गया 68, तो आपका करेक्ट आंसर 68 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 60, 54, 48, 42, देखिए सभी में क्या हो रहा है, लगभग कुछ 6 माइनस हो रहा है, 60 में से 6 गया 54, 54 में से 6 गया 48 मतलब 48, 48 में से 6 गया तो 42, 42 में से 6 गया तो क्या बचेगा 36, करेक्ट आंसर आपका 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है, तो बस काउंट कर लीजिए कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ तक 8 हो गया है, फिर 9, 10, 11, 12 एंड ये वाली 13, करेक्ट आंसर आपका 13, ठीक है। आगे विलुप्त संख्या चुनकर अक्षर को पूरा कीजिए, 5, 6, 7, 8, 10, ओहो 11, 14 एंड नेक्स्ट क्या वॉट। तो यहाँ पर अगर ऐसे जाएंगे बिल्कुल सीधे एक ही साथ तो नहीं जमेगा, तो एक संख्या छोड़ छोड़ के कर लीजिए, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, जी बिल्कुल, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे भैया 15, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 4 जोड़े तो 14, 6 में 2 जोड़े तो 8 और 8 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 11, 11 में अगर 4 जोड़ूंगा तो अपने आप मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किसी खास कोड में अगर 2, 3, 4, 6 को ये लिखा जाता है, 15, 7, 8, 9 को ये लिखा जाता है, तो 23, 549 को किस तरह लिखा जाएगा, तो एक काम करते हैं इसमें 2, 3, 5, 4 और 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा यही पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए बस इनका नंबर ढूंढ लीजिए, और 2 को अगर मैं देखूँ तो 2 यहाँ है मतलब n, ठीक है, n से स्टार्ट होने वाले कितने हैं 3 है, तो ठीक है देखिए n से स्टार्ट होने वाले 3 है, बट अगर मैं लास्ट से करूं तो मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब 9 नंबर यहाँ है, 9 यहाँ है तो a लाना चाहिए, 9 लास्ट में है a लाना चाहिए, स्टार्ट n से होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 पूरा कर लीजिए आप। 3 यहाँ पर है मतलब p आ जाएगा, 5 कहाँ पर है भैया, 5 यहाँ पर सेकेंड पे मतलब t आ जाएगा, फिर 4 कहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है बिल्कुल s आ जाएगा, तो NPTSL फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ये शायद सिक्स्थ वीडियो थी, सिक्स्थ पार्ट था हमारी रीजनिंग की वीडियो का, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ ख़त्म करने वाले हैं, बीच में एक दिन मैथ्स की वीडियो आ जाती है इसलिए थोड़ा सा शायद वो हो जाता है, नहीं तो बहुत जल्द हम इसको ख़त्म कर देंगे। एमपी पुलिस आने से पहले मैं 2016 और 2017 के पेपर कंटिन्यू जो चल रहे हैं हमारे वो पूरे ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ व्यापम, अभी व्यापम की भी मैं बीच में तैयारी शुरू करवाने वाला हूँ, जो वर्ग 3 अभी चल रहा है यहाँ पर एमपी में, और कोई जो हमारे चैप्टर वाइज जो चैप्टर बच चुके हैं, चैप्टर वाइज जब हम चल रहे थे तो कुछ चैप्टर बचे हैं उनको भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स तो मुझे करते ही रहिए, मैं सारी कमेंट्स देखता रहता हूं आप लोगों की। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।